अमृतसर दे सब तो ज्यादा सेंसिटिव इलाके जिथे कि अमृतसर दे पहले कोरोना पॉजिटिव केस भाई निर्मल सिंह खालसा दे कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई सी उत्थे श्रोमणी अकाली दल दे हलका दक्षिणी इंचार्ज तलबीर गिल वालों सैनिटाइज करने की शुरुआत की गई है जिस नाल लोगों नूं किसी हद तक कोरोना वायरस तो निजात दिवाउण विच मदद मिलेगी। इस मौके गलबात करदिआं हलका दक्षिणी इंचार्ज तलबीर गिल ने दस्सिया कि सूबे की कांग्रेसी सरकार कोरोना की जंग विच हर पक्षों नजर विच आ रही है। होर की कुछ कहना रहा तलबीर गिल अते इलाका निवासियों का, आओ तुसीं वी सुणो। देखो ये साडा इलाका शहीद ऊधम सिंह नगर आ जिथों इस इलाके तो साढ़े दो वीर जेड़े कोरोना वायरस ने अपनी जान जी गवा चुके हैं। साढ़े सत्कारयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी सरदार जसमिंदर सिंह जी और अज आप उस इलाके खड़े हाँ कि जिते थोड़े दिन पहला सरकार ने एक शोशा छड़िया स्क्रीनिंग का बड़ा रौला पाया अखबारों के टीवी चैनलों के अं जी सारे इलाके की स्क्रीनिंग करा उस डिस्पेंसरी के बहर आप खड़े हाँ अच्छ और स्क्रीनिंग मैं तू मेरे नो पता होना कि वो स्क्रीनिंग गई कितने कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई और लोगों इतने मूर्ख बनाया गया। जिहड़ी चीज़ की लोड़ आ लोगों राशन की लोड़ आगों जोड़ा मुहैया नहीं कराया गया लोग बेचारे दर दर दियाँ ठोकर खा रहे हैं। मैं उन्होंने वीर का भैन भरावान का धन्यवाद करता जिन्हें लोड़वंद परिवार की बह फड़ी और लोगों को राशन दिता और जे सरकार की गल करिए तो यह सरकार लोगों के भले का काम तो नहीं कर सकती। लोगों को शराब जरूर वंडन लग गई है कि लोगों के घड़ा घर लड़ाइया कलेष ये सरकार का जोड़ा शराब का जोड़ा रिजल्ट तुम वेखो दो चार दिन के सोशल डिस्टेंस ना दियाँ धज्जिया उठ जाएगियाँ कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रहना जो हालात पंजाब दे रहे बहुत घटिया गल जी सरकार वास्ते आ कि सरकार जी जमा फेल हो चुकी। क्राइम की गल कर लीए क्राइम वधिया लॉ एंड ऑर्डर के ना की कोई चीज़ नहीं आ एक एक परसों की गल आ परसों रात साडा एक वीर आ प्रदीप सिंह रिंकू वो आपदे ऑफिस तो आपदे घर चलिया सीगा आ बाहर उन्हों मेन सुल्तानवंड रोड से उन्हों डाकया गया तीन जने ने डकया वो लत च गोली मारी वो तो पैसे मोबाइल खो के लै गए तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई गल नहीं इतने सारा कुछ जोड़ा वो खत्म होया पाया जी। घर घर नौकरी नहीं घर घर शराब पहुँचाने का वादा किया मैंने जापता होना वो काम जरूर कर देंगे। नौकरी ना दी नौकरी तो तुम्हें पता ही है नौकरियां ने कितने देनिया पहला भी इन्हें कई कोई नौकरियों के ना देना सरकार तो बना ली आ पर घर घर नौकरी देने वाली तो गल खत्म है वो तो बड़े चिर इन्हें कहानी खत्म हो गई। देखो मैं तो सरकार आना कि तुम ठेके जो खोली जाते तो गुरुद्वारे मंदिर भी खोलो ना कि ठेके जरूरी आ जिते लोगों की आस्था में यह ढा ला रहे मैं कुछ समझ ना कि मैं इन्हों कोई माड़ा चंगा कह क्योंकि लोग इन बारे आप ही जान चुके हैं कि जो इन्हों के पले देखो लोगों के नीले कार्ड घटते आ वितकरा लोगों के सारे के सामने आ मैं भी इस इलाके रहा भैन भरा बेचारे त्रास त्रास कर दिया जिन्होंने और मैं फकर ना यह गल कहना कि जिन्ना कि सरकार ने इतने राशन वंडिया उदों वड जिहड़ा राशन वो साडी श्रोमणी अकाली दल की टीम ने इतने वंडिया सरकार तो जमा ही फेल हो चुकी कोई इलाका नहीं इन्हें सैनिटाइज कराया। मैं पिछले दिन भी तुम्हें पता मैं पांच छह वार्डा जिहड़ियां ऐसे मशीन के नाल मैं वो सैनिटाइज कराइया सीगियां अज फिर मैं उस इलाके दे विच आया जिस तरह मैं तुम्हें पहला भी दस चुका कि जिते कई परिवार जिहड़े पॉजिटिव पाए गए उस इलाके दे विच मैं आया। मैं दस रहा मैं उही ये उही इलाका वा जिथे दो डैथ करोना पॉजिटिव करके हुई मैं उस इलाके सैनिटाइज कर आया मेरे वीर खलोते आ लवली होनी तो अपना वीर काके होनी आ वीर बादल होनी इन्हों के मैंने फोन आए कि भाजी साडा इलाका जिहड़ा वो जरूरी सैनिटाइज कराओ। मैं इन्हों आप मिल के इतने उस दिन इन्हों के सामने मैं मजिठिया साहब ना फोन पर गल की उन्होंने सानू कहा कि तुम मशीन लै जाओ मैं अच्छे मशीन लैके ये इलाका ये लगदिया जिहड़ियां होर भी कई वार्ड मैं सारिया कर कवर करा। टेस्टिंग इतने तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह आप ही करी जाते जे सरकार ना दी इतने कोई चीज़ नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं हुण तुहानूं बाद च एक दिन दसांगा की कुछ उत्थे हॉस्पिटल दे विच हो रहा मैं एक दिन आप तुहानूं सारिआं नूं मिल के दसांगा। ये रब आसरे लोग जिहड़े आ बेचारे ठीक होई जांदे आ वो महाराज आप ही उन्हां नूं सारिआं नूं। देखो इन्हां ने पहलां बहुत माड़ी गल इन्हां वास्ते पहलां जिस तरह साडे मुसलमान भाईचारे दे वीरां नूं इन्हां बड़ा रज के बदनाम किया जमातीए करके इदां ही हुण साडे जिहड़ी सिख गुरु की संगत है जिहड़ी साडी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करन वास्ते उत्थे गई सी और उन्हां नूं शरधालु करके इन्ना कु बदनाम करन की कोशिश की आ और बाकी परमात्मा आप देखदा वो सच्चे पातशाह वाहिगुरू आप ही इन्हां नूं पछाणदा। मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह बादल इंचार्ज वार्ड नंबर 41 श्रोमणी अकाली दल तो सैनिटाइजर ना तो जी तो हलका दखनी की जी संगत है इस वे बिल्कुल ही लवारिस हो पी है हलका विधायक तो पिछले डेढ़ महीने तो अपने घरों नहीं निकलिया
तो ना ही संगत को कितने राशन मुहैया करा रहा, ना कितने गलिया से कोई सैनीटाइजिंग, कुछ भी किसी ना की सरकारी सहूलत ना की कोई चीज़ नहीं हैगी इत्थे। जे गिणिया जाए सरदार तलबीर सिंह गिल ने लोगों के घर घर राशन पहुँचाया, तो सारी संगत को जिन्ना भी है सैनीटाइजर आप गलिया कर रहे हैं, तो जो बनती लोड़ी मदद आ जिन्हें जो कि समर्थ वो आप कर रहे हैं। प्रशासन वालों पहला भी कोई स्प्रे या राशन वंडिया गया तुहाडे इलाके च जां अज्ज? प्रशासन वालों राशन के नाँ से जी 5 किलो दी थैलियां, कद मेरे सामने 15-20 थैलियां वार्ड नंबर 41 च वंडियां होनियां वा, कि इन्होंने फोटोआं लवा के 1-2 फेसबुक पर पाइया, कि हलक जिहड़ा वार्ड का कौंसलर आ वो बिल्कुल ही एक नखेद आदमी है, जिन्हें कि बिल्कुल भी जी वार्ड की सार नहीं लई ना। देखो वार्ड के कौंसलर की एक जिम्मेवारी आ कि अपनी जी हल वार्ड की संगत आ वो आप MLA साहब तक आवाज़ पहुँचाई, MLA भी सुता वा तो वार्ड का कौंसलर भी सुता वा, राशन के बिल्कुल नहीं संगत को मुहैया करा रहे। आप अगे चल के देखो कि लोगों का विरोध पंजाब सरकार के खिलाफ किन्ना वा। ये जिहड़ा अज का स्प्रे आ सरदार तलवीर सिंह गिल इंचार्ज हलका दखनी श्रोमणी अकाली दल तो उन्होंने वालों स्प्रे कराया जा रहा वा। लगता कि इस टाइम से राजनीति नहीं होनी चाहिए कोई? देखो राजनीति जी श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी राजनीति नहीं की, जो भी कोई दुख सुख बनया वा वो दुख सुख च हमेशा खड़ी हुई आ। राजनीति कांग्रेस सरकार से कांग्रेस के नुमाइंदे करन दे आ, साडे वल्लों कोई राजनीति नहीं, असीं लोक सेवा कर रहे हैं पिछले 40 दिनों तो। देखो मौजूदा सरकार तो लोग इन्ना तंग रहे, यहाँ जो तुम रिजल्ट है 2022 दी आने वाली चोणों से इन्हों मूदड़े मूँह सुट के तुम नज़र आएगा। प्राइम अमृतसर तो हरजीत सिंह गरेवाल की रिपोर्ट।